सर्वप्रथम पुंडरी विधानसभा क्षेत्र की छत्ती बिरादरी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है और मैं सभी को नमस्कार और राम राम करता हूं। आपका बेटा हूं, पुंडरी हलके की जनता का बेटा हूं और भाई हूं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो बुलाई है, हमारे साथी बैठे हैं ये पाई गांव से चौधरी रणपत सिंह जी, पूर्व विधायक, 10 साल वहाँ पाई गांव से विधायक रहे और सर छोटूराम जी के साथ वो विधायक रहे। तो उनके पोते श्री नरेंद्र कुमार बल्ली जी, मेरे मित्र जगतार हाबड़ी से हैं, सुभाष सिकंदर खेड़ी से हैं, विशाल वालिया जी वालिया समाज के उपप्रधान हैं, सगताराम हमारे जिले के मीडिया के अध्यक्ष हैं और सुभाष मेरे साथी बरसाना से है, रिंकू बरसाना से हैं, सौरव वालिया जी हमारे हलके के मीडिया के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, दिलबाग हमारे साथी पाई से हैं, किताब सिंह हमारे साथी हैं भाई हैं ये हजवाणा गांव से हैं और जो भी साथी हैं रिंकू बरसाना से हैं, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है भी जो 17 अगस्त को पुंडरी में श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो भाजपा से हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस से ही आज जो कार्यक्रम किया था, उसमें हमने अपना पुंडरी नई अनाज मंडी में अपने साथियों को सुबह इकट्ठा करके सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रोग्राम को सफल करने के लिए इकट्ठे होके वहाँ से पुंडरी नई अनाज मंडी में इकट्ठे हुए थे। हमने जितना अंदाजा लगाया था हम इकट्ठे होंगे, उससे 2-3 गुना ज़्यादा जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए, मैं उनका तय दिल से आपके चैनल के माध्यम से उनका तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनका सारी उम्र मैं ऋणी रहूँगा जिन्होंने मेरा इतना हौसला अफजाई किया और सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के हाथों को मजबूत किया, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया और जिस प्रकार लोगों वहाँ उमड़े उससे ये क्लियर है भाई प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है और श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इन्हीं बातों को मैं कहने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है। और आपको एक बात और मैं कहता हूँ भाई, प्रदेश में जिस प्रकार सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रति, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के प्रति और कांग्रेस पार्टी के प्रति और राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के प्रति और श्री जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के प्रति, सीनियर लीडरशिप के प्रति जो आस्था और स्नेह हरियाणा की जनता में देखने को मिल रहा है, उससे ये क्लियर है भाई कांग्रेस की सरकार 70 सीटों से पार जा रही है और भाजपा प्रदेश ने बिल्कुल नकार दिया, यहाँ उनका कोई जनाधार नहीं रहा। इसलिए वो हमारे जो घोषणा पत्र, जो हमने घोषणा पत्र पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था भी कांग्रेस सरकार आने पर हिमाचल और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पुरानी पेंशन बहाली करेंगे और बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये करेंगे और जिस प्रकार लोगों की पेंशन बीपीएल कार्ड भाजपा सरकार ने बीपीए पहचान पत्र जो काटे गए हैं इनको पुनः फिर बहाल करने का काम करेंगे और जो परिवार पहचान पत्र प्रॉपर्टी आईडी जो ये इन्होंने जो शुरू कर रखी उसको खत्म करने का काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली माफ करने का काम करेंगे, गैस सिलेंडर को 500 रुपये पर सिलेंडर को देने का कार्य है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की सरकार हरियाणा के में आने के बाद वो देने का काम करेगी। तो इन सब कार्यों को जो अभी सारे कार्य बंद पड़े हैं उनको सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेंगे। तो यही बात करने के लिए आज हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं और आप देख रहे हो प्रदेश में हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रति लोगों में किस प्रकार इतना उत्साह और उमंग देखने को मिलती है। जहां भी वो पदयात्रा हरियाणा भाजपा से हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के तहत जिस प्रकार वो कार्यक्रम जहां विधानसभा में करते हैं, कितने हजारों की तादाद में आप देखते हो सड़कों पे या कहीं जहां भी स्थल है कार्य करने का, कहीं भी जगह नहीं रहती, इतनी पब्लिक उनके प्यार और स्नेह में आती है। तो इस प्रकार निरंतर हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं भाई हमारे सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी खूब ऐसे ही तरक्की करते रहें और स्वस्थ रहें और लोगों के प्रति उनका विश्वास और पूरा विश्वास उनके प्रति बना रहे और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता। कांग्रेस की मैनिफेस्टो के द्वारा जारी की हुई है और ये पार्टी का ही घोषणा पत्र होता है और उस घोषणा पत्र में हमारे विपक्ष के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदयवान जी और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं श्री दीपक बावरिया जी
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, सभी का जितने सीनियर लीडरशिप जो भी है उनके साथ इकट्ठा होकर विचार विमर्श करके ये घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। देखो टिकट का तो ये आज बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो टिकट के लिए नहीं है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ भाई, आपकी चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ भाई, आप ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें, श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों को मजबूत करने का काम करें, श्री राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हाथों को मजबूत करने का काम करें और सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री चौधरी उदयभान जी के हाथों को मजबूत करने का काम करे और मेरे ऊपर हल्के की जनता सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखे, यही मैं बात कहना चाहता हूँ। आपने देखा है, आपके चैनल के माध्यम मैं कहता हूँ, जो उस दिन आपने देखा कितने यूथ नौजवान उस प्रोग्राम में कितने जबरदस्त तरीके से आए हैं और उसमें देखो भी नौजवान कितना उत्साही था चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रति और आपके भाई के प्रति, जो उत्साह उन्होंने देखने को मिला आपको पता है। मैं जो उस भारत यात्रा में मेरे को जाने का सौभाग्य मिला, मैं उसका श्रेय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और चौधरी उदयभान जी को और सांसद हमारे श्री दीपेंद्र हुड्डा जी को और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्षी नेता श्री राहुल गांधी जी को मैं देना चाहता हूँ और सीनियर लीडरशिप को देना चाहता हूँ जिन्होंने उसमें मेरे को जाने का सम्मान दिया। उसमें लगभग 5 महीने हम रहे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4,500 किलोमीटर वो चली। वो राजनीतिक यात्रा नहीं थी, वो देश में जिस प्रकार नफरत का माहौल था उस नफरत के माहौल को मोहब्बत के संदेश में करने के लिए वो यात्रा थी। वो उस यात्रा कोई राजनीतिक लाभ नहीं था, वो यात्रा कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं थी, वो देश में जिस प्रकार हालात थे उनको ठीक करने के लिए और आपस में भाईचारा कायम करने के लिए वो यात्रा। देखो ये मैंने फिर कहा, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस टिकट के लिए नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमारे जो लोगों ने हमारा भरपूर जो प्रोग्राम में हमारा भरपूर समर्थन और सहयोग दिया उसके लिए, उसके लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। दावेदार तो कोई भी हो सकता है, दावेदार तो जयपाल जी आप भी हो सकते हैं और भी साथी भी हो सकते हैं, मांगना भी है, आजाद देश के नागरिक है, ये आजाद देश के नागरिक जिसको वोट डालने का अधिकार है उसको टिकट मांगने का भी अधिकार है, तो मांगना चाहिए और जिसकी क्षमता जैसी उसको मांगना चाहिए, मांगने में कोई बुराई नहीं। पर मैं तो एक बात कहूंगा भाई, सभी ने इकट्ठा होकर जिसको टिकट मिले सभी ने इकट्ठा होकर उसका साथ देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहिए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राष्ट्रीय जो कांग्रेस पूरी लीडरशिप के हाथों को मजबूत करके हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने में पूरा योगदान देना चाहिए। उद्देश्य तो कोई भी राजनीति में आता है तो लोगों की सेवा करने के लिए आता है, उद्देश्य सबका ही है, तभी राजनीति में मैं आया हूँ और जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ वो कार्य मैं परमपिता परमात्मा उस कार्य को मेरे सफल करे और रण मिल के जो है सरकार लोगों के कार्य करने के लिए करिए। चुनाव लड़ने की तो मनसा हर एक आदमी की होती है, उन मनसा वालों में जितने और लोग हैं उनमें मैं भी एक हूँ, मैं भी उनमें एक हूँ, मेरी भी मनसा है, पर वो लीडरशिप जैसा। देखो ये आज जो बात है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो वो पार्टी के प्रति मजबूती के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लोगों का धन्यवाद करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऐसा अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं। पार्टी के कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए 3 पीढ़ियों से मैं, मेरे दादाजी कांग्रेसी, मेरे फादर कांग्रेसी, मैं कांग्रेसी, मैं 2003 से कंटिन्यू कांग्रेस के लिए कार्य कर रहा हूं और जो भी यहां मेरे साथी बंधु प्रेस के जितने भी सबको पता है मैं कांग्रेस पार्टी में ही पैदा हुआ हूं और 3 पीढ़ियों से कहूँ मेरी नजर में मैं इसके बारे में कुछ नहीं, चूंकि ये देखो ये उनका देखो निजी किसी मामले में कुछ नहीं कहता, हमने मैंने देखा भी नहीं अभी तक, कोई ऐसा मैंने देखा भी नहीं और जो मैं कह सकूं मैंने अभी तक देखा नहीं है। मैं डांडा साहब एक बात कहता हूं भाई, सभी कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों को मजबूत करने का कार्य करें और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करें और चौधरी उदयभान जी के हाथों को मजबूत करने का और सीनियर लीडरशिप जो हमारी है उनके हाथों को मजबूत करने का काम करें और रण मिल के कांग्रेस की सरकार बनाए। मैं तो आपके माध्यम से यही कहता हूँ भी हल्के की जनता भी सदैव मेरे ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए। आरकेएसडी के सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाए हुए हैं और उनका कुछ 4-5 साथी थे, उनका 3-4-5 दिन पहले कुछ एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से एक साथी हमारा उसमें मौके पे वहां डेथ हो गई थी, उसको मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ अपने चरणों में उसको स्थान दे और परिवार को उस दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और जो हमारे साथी दूसरे हैं
और नवदीप है जो एम्स में, दिल्ली एम्स में एडमिट है, कुछ साथी दूसरी जगह एडमिट है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ उनको भी जल्द स्वस्थ करके और पुनः हमारे साथ दोबारा कार्य करने का, हमारे साथ खड़े होने का वो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ हों और हमारे साथ आके खड़े होकर कार्य सुचारू रूप से दोबारा कार्य करने का परमात्मा सौभाग्य।